हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोट बेस हेड्स 242 वायर्ड हैंडसेट की। तो गाइस चलिए हम अपनी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो है मैंने प्रोडक्ट गाइस फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और गाइस इसमें बाद में मैं गाइस इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में आपको कि ये मुझे कितने का पड़ा है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अपना डब्बा खोल लिया है बॉक्स। और गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बोट का ये मिल जा रहा है हमें। तो गाइस अभी से मैं साइड रखता हूँ। और गाइस यहाँ पे हमें इसकी इसका जो है बिल मिला है। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी प्राइस नहीं दिखाऊँगा इसका, बाद में इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊँगा वीडियो के। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे बोट के जो है गाइस ईयरफोन है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग। तो गाइस बोट की पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और गाइस तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस इसके कुछ यहाँ पे फीचर्स के बारे में बताया गया है। और गाइस यहाँ पे अब हम बैक साइड की बात करते हैं। तो गाइस बैक साइड में भी गाइस इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो लीड की जो गाइस यहाँ पे पैकिंग है वो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त है। और गाइस बोट के आप जितने भी एयरफोन लेंगे तो गाइस उसकी पैकिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो गाइस चलिए अब हम इसके बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। इसे मैं साइड रखता हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कैरी बैग मिल जाता है यहाँ पे बोट की तरफ से, जिसमें बोट की ब्रांडिंग हुई है। पहले मैं दूसरी चीज़ निकाल ले रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये हमें कुछ एक्स्ट्रा यूजेस के लिए मिल जाता है ये। तो गाइस इसे भी साइड रखते हैं। और गाइस यहाँ पे कुछ यहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है यहाँ पे, तो गाइस इसे भी मैं साइड रखता हूँ। और ये एक और है, ये कुछ वारंटी कार्ड होगा शायद ये। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 ईयर वारंटी कार्ड है ये, इसे भी मैं साइड रखता हूँ। और गाइस यहाँ पे हमें बोट का स्टिकर भी मिल जा रहा है गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसे भी मैं साइड रखता हूँ। और गाइस फाइनली हम गाइस यहाँ पे अब बात करते हैं गाइस ये हमारी ईयरफोन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया और मैं सारी चीज़ों को साइड रख देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरी जो तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बोट की ईयरफोन है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लुक गाइस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ये जो है ये बैक साइड है गाइस यहाँ पे जो साउंड, तो गाइस देख सकते हैं कितना वो है। और गाइस ये देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है कि गाइस ये एक्स्ट्रा जो कि आपके कान में फंस जाएगा, और जिससे कि गाइस यहाँ पे जो आपकी लीड है गाइस वो कान में फंसी रहेगी, आपकी गिरेगी नहीं वो लीड। तो गाइस यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। तो गाइस पहला जो बटन है गाइस वो वॉल्यूम अप का, और दूसरा जो है वॉल्यूम डाउन का। और गाइस यहाँ पे आप जो तीसरा बटन आपको मिलता है गाइस, जिसके जरिए आप किसी भी कॉल को रिसीव कर सकते हैं और गाइस म्यूजिक को पुश कर सकते हैं। और गाइस फिर हम नीचे बात कर लेते हैं कुछ इसके। तो गाइस यहाँ पे वायर आपको काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। और गाइस यहाँ पे आप वायर की क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं वायर गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, जो कि गाइस कटने उटने का बिल्कुल भी डर नहीं है इसे। और गाइस यहाँ पे आपको एक क्लिप लगाने को मिल जाती है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिप भी आपको मिल जाती है, जिससे कि गाइस यहाँ पे आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ये मुझे अभी ये वायर से लगी हुई नज़र आ रही है, तो गाइस मैं इसका वायर हटा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने ये पूरा वायर खोल लिया। और गाइस ये आप गाइस मानेंगे नहीं है गाइस, ये काफ़ी लंबी लीड है गाइस, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगी, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लीड जो है गाइस एल साइज ना होके गाइस यहाँ पे सीधी है इसके वायर। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे जैक में देखा होगा ज़्यादातर गाइस यहाँ पे येल्लो कलर के होते हैं, लेकिन इसमें वाइट कलर का है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे ये येलो ना होके गाइस यहाँ पे आपको वाइट वाइट दिखेगा। तो गाइस ये बोट की तरफ से चेंज देखने को मिल जाता है आपको। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की। तो गाइस ये मुझे 350 का पड़ा है। और गाइस यहाँ पे अभी इसका प्राइस जो है महंगा हो गया है। तो गाइस यहाँ पे प्राइस की बात होती है, तो गाइस मैंने इसे 350 में लिया है। और गाइस अब मैं इसको गाइस यहाँ पे थोड़ा चेक करके बताऊँगा कि गाइस यहाँ पे म्यूजिक व्यूजिक में कैसा है ये। तो फ्रेंड अब मैं बात करता हूँ इसके साउंड क्वालिटी की। तो गाइस इसका जो साउंड क्वालिटी है गाइस वो बहुत ही लाउड है गाइस, यहाँ पे आपको म्यूजिक व्यूजिक सुनने में गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और गाइस यहाँ पे आप मेरी मानेंगे तो गाइस यहाँ पे अगर आप इसे फुल आवाज़ में गाइस यहाँ पे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो गाइस यहाँ पे आप सुन नहीं पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं एक म्यूज़िक चलाता हूँ जो कि गाइस यहाँ पे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है। तो गाइस अपना माइक भी मैं इसके पास ला के रख देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे मैंने अपना माइक अब इसके पास ला के रख दिया है, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ। तो गाइस अभी तो आपको कम आवाज़ आ रही होगी, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ तो गाइस मुझे पूरे गाने की आवाज़ पूरी क्लियर आ रही है। गाइस यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस यहाँ पे मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा गाइस इसका जो साउंड क्वालिटी है गाइस वो काफ़ी लाउड है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, और गाइस इसे अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।